हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम को इनॉग्रेशन किया है, जिसका नाम गयाजी डैम है, जो गया के फाल्गु रिवर में है। इस डैम को 324 करोड़ के एस्टिमेटेड कॉस्ट में बनाया गया है। आईआईटी के एक्सपर्ट्स भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड हैं। पिलग्रिम्स के कन्वीनियंस के लिए साल भर में इनफ वाटर रहेगा डैम में। अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए नियरली 2 फीट का वाटर अवेलेबल है फाल्गु रिवर में नियर विष्णुपद घाट, उन डिवोटीज के लिए जो पिंडदान देने जाते हैं। फाल्गु रिवर के रबर डैम में सैंड ड्यून्स का वास्ट स्ट्रेच है, जो बहुत सारे पिलग्रिम्स को ड्रॉ कर सकता है और लैंडस्केप को भी चेंज कर सकता है। इस डैम का एम यह है कि ये विष्णुपद टेंपल जो गया में है उसे अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई कर सके साल भर तक। IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया यह डैम 411 मीटर लॉन्ग, 95.5 मीटर वाइड और 3 मीटर हाई है। फाल्गु रिवर में सिर्फ मूनसून पर ही पानी रहता है और बाकी सारे दिन ये ड्राई रहता है, तो ये डैम वहाँ वाटर स्टोर करने में मदद करेगा ताकि पिलग्रिम्स वहाँ पिंडदान करने जा सके और वहाँ विजिट करने जा सके। थैंक यू।